और तुम कितनी लकी हो कि आज रजा मीर तुम्हारे बाल बना रहा हो. सारी लड़कियां तुमसे जल गई होंगी तुम्हारी क्लास. हाँ, आहत भाई भी मेरे साथ इतने अच्छे. मैंने उनको इंटरव्यू पे आहत भाई बोला था. हाँ. तो जब मैं सेट पे अगले दिन गई तो मुझे कहते हैं आहत भाई मत बोलना, मुझे किसी का भाई नहीं बनना. हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम तुम ड्रामे की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया कि मशहूर और मरूफ अदाकारा ने हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे. तो दोस्तों, हाल ही में शोबिज़ इंडस्ट्री से एक हैरान कर न्यूज़ सामने आई है कि मशहूर और मरूफ अदाकारा ने एक्टिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया है. तमाम तर फैंस इस बात पे हैरान है कि शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद ऐसा फैसला कौन करता है. दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमजान के एक स्पेशल ड्रामा आ रहा है हम तुम. इस ड्रामे में देखा जा सकता है आदरज अमीर को, जुनेद को, सारा खान को और रमशा को. रमजान की मसरूफियात के बाद जब लोग इस ड्रामे को देखते हैं तो काफी ज्यादा इंटरटेन होते हैं. उनका कहना है कि इसमें तमाम तर एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं. इस ड्रामे में दो चाइल्ड स्टार हैं, एक का नाम है आईना आसिफ और एक का नाम है अनुशा रानिया खान. इन दोनों ने इतनी अच्छी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं कि इन्हें बहुत ही कम वक्त में काफी ज्यादा शोहरत मिल गई है. तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वो मशहूर मरूफ अदाकारा कौन है. उनका नाम है अनुशा रानिया खान, जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक्टिंग को छोड़ने का फैसला कर लिया है. अनुशा रानिया का कहना है कि वो एक्टिंग में जब से आई हैं वो अपनी स्टडीज पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही हैं. उनका कुछ एम है अपनी स्टडीज को लेकर. वो एक्टिंग भी करेंगी लेकिन कुछ अरसे के लिए वो एक्टिंग को छोड़ रही हैं. अनुशा रानिया भी सिर्फ और सिर्फ 16 साल की हैं लेकिन इनकी अदाकारी को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है जितना कि किसी और चाइल्ड स्टार को नहीं पसंद किया जाता. अनुशा रानिया ने इतनी सी कम उम्र में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा है. तमाम तो फैंस इनकी शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने पे काफी ज्यादा हैरान और परेशान है. उनका यही कहना है कि हम इन्हें मजीद ड्रामा में देखना चाहते हैं. तो दोस्तों, अब देखना यह है कि इनकी स्टडीज कब कंप्लीट होती हैं और ये दोबारा से शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं या नहीं. तो दोस्तों, आपको अनुशा रानिया की एक्टिंग कैसे लगती है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा. मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.